डायबिटीज़ का असर सबसे ख़राब होता है, इसीलिए आजकल हम कार्डियो डायबिटीज़ की बात करते हैं। जब भी मरीज की शुगर ज़्यादा रहती है या बढ़ी रहती है तो हार्ट की धमनियों में या वेसल्स में खून के थक्के जम जाते हैं, उससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे एंजाइना का मतलब है मरीज को चलने में छाती में दर्द होता है, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक भी या दिल का दौरा भी कहा जाता है, फिर स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक का मतलब होता है मरीज को आधे हिस्से का पैरालिसिस हो जाना, पैर की नसों में भी खून के थक्के जम सकते हैं और वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि डायबिटीज़ कंट्रोल की जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए, धूम्रपान ना किया जाए, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखा जाए। ये चारों चीज़ें जो हैं वो हार्ट में बुरा असर करती हैं और डायबिटीज़ के मरीज़ में ये असर और भी ज़्यादा होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों की जो डेथ या मौत भी है वो कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट की डिजीज़ की वजह से ही होती है, इसलिए रेगुलर कार्डियक चेकअप कराना और अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है मरीज की शुगर कम हो जाना, और इसके लक्षण बहुत साफ होते हैं, जैसे मरीज को घबराहट होती है, उसको पसीना आता है, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बेहोशी जैसी हालत होने लगती है। तो जब भी मरीज को ऐसे लक्षण दिखाई दे उसको तुरंत या उसके रिलेटिव्स को तुरंत उसकी शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करनी चाहिए, और अगर ये शुगर 70 mg/100 से कम आती है तो इसका मतलब ये है कि मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। तुरंत मरीज को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब है आधा गिलास जूस या आधा गिलास चीनी का घोल या एक चम्मच शहद, एक चम्मच चीनी, कुछ भी दिया जा सकता है, और फिर 15 मिनट के बाद मरीज की शुगर दोबारा चेक करनी चाहिए। अगर ये शुगर अभी भी कम रहती है तो फिर दोबारा से मरीज को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। दो बार कार्बोहाइड्रेट देने से मरीज की शुगर ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर ये एक घंटे बाद दोबारा कम हो सकती है क्योंकि उसका असर चला जाएगा, तो मरीज़ को एक घंटे बाद दोबारा से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। लेकिन जब भी मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया हो उसको अपने डॉक्टर को जल्दी से मिलना चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक जानलेवा चीज़ हो सकती है। देखिए, डायबिटीज़ की समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले तो मरीज़ को अपने ब्लड शुगर लेवल्स और HbA1c जो कि 3 महीने की शुगर्स का एवरेज होता है उसको नॉर्मल रखना चाहिए। HbA1c 7% से कम होना चाहिए और फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम होना चाहिए और भरे पेट ब्लड शुगर यानी PP ब्लड शुगर 140 से कम होना चाहिए। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए समस्याओं का कारण बन सकता है, तो मरीज़ को नियमित अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखा के लिपिड्स को या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए। तीसरे, मरीज़ को अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर डायबिटीज़ के मरीज को ब्लड प्रेशर है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर 130/80 से कम रखना चाहिए। नियमित रूप से दवाई लें, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, धूम्रपान बिल्कुल ना करें क्योंकि धूम्रपान से डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, और नियमित रूप से अपने डॉक्टर को अपने चेकअप कराते रहें, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट कब कब कराए जाते हैं। साथ में ही अपने गुर्दों का, अपने दिल का और अपने पांवों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ में ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं।